फ्रेंड्स आज मैं नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ, तो आज सफर की दुआ पढ़ लेते हैं और फिर पापा से पूछते हैं कि हम कौन सी नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीना वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ऐ अल्लाह हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे, आमीन। पापा आज हम कहाँ जा रहे हैं और कौन सी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं? बेटा लाहौर का फूड के साथ साथ ट्रैवल का भी तुम्हारा चैनल है। जी पापा। तो लाहौर की ट्रैवलिंग भी करवाते हैं लोगों को। जी। तो लाहौर में ये डिफरेंट सोसाइटीज हैं नई, उनकी सैर कराते हैं जहाँ पे लोग शिफ्ट हो सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। जी। तो आज तुम्हें लेकर चलता हूँ AWT फेज 2, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फेज 2। जी। ये अड्डा प्लॉट से आगे है, वहाँ पे मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जी पापा। तो अभी हम ये DHA फेज 5 से रिंग रोड के थ्रू जाएंगे। जी पापा। ये देखो अब आप पुल चढ़ रहे हैं सुई गैस सोसाइटी का, जो रिंग रोड को जाता है इंटरचेंज को। जी पापा। वो चढ़ रहे हैं। जी ये देखिए जी, ये रिंग रोड का इंटरचेंज आ गया, स्ट्रेट लाइन सोसाइटी से कनेक्टेड है ये। अब हम लोग रिंग रोड पे जाएंगे और ये रिंग रोड बहुत ही बड़ी नेमत है लाहौर में, ये सब चीज़ों को जाके कनेक्ट करती है और हमारा जो ट्रैवल होता है उसको शॉर्ट करती है। और इवनिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक भी होती है और जब रात होती है तो लाइट्स लगी हुई है तो बहुत ही प्यारा मंजर पेश करती है। फ्रेंड्स अब हम लोग रिंग रोड पे हैं और रिंग रोड पे अभी तो कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अड्डा प्लॉट की तरफ। मैं आप लोगों को आज सोसाइटी दिखाऊंगा AWT, आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी कि यहाँ पे भी लोग रह सकते हैं और एक बहुत अच्छी सोसाइटी है या नहीं। तो आए चलते हैं। रिंग रोड पर बहुत सारी सोसाइटीज हैं, हम उन्हें वन बाय वन करके सारी विजिट करेंगे इंशाल्लाह। मेरी लॉन्ग ड्राइव हो जाया करेगी और आप लोगों को साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो बहुत मजा आया करेगा। फ्रेंड्स ये हमारे लेफ्ट पे आशियाना सोसाइटी है, ये नवाज शरीफ के दौर में बनी थी, लेकिन इधर बहुत थोड़े हाउसेज हैं। अली इतना अभी ये में बने नहीं है, रुक गया प्रोजेक्ट ये ना। वो इधर दिखाओ जरा, घर बने हुए नजर आएंगे। जी ये आशियाना हाउसिंग सोसाइटी के छोटे छोटे घर हैं, कम आमदनी वालों के लिए इन्होंने बनाए थे। जी इसमें तो लोग रह रहे हैं इन घरों में। जी ये भी किसी दिन विजिट करके आएंगे जाके। जी पापा। इसके साथ ये DHA फेज 9 का फेज बन रहा है, वो देखो दरवाजा उसका वो बना रहे हैं। जी उस पानी की टंकी वगैरह भी बन रही है सारी। जी तो ये ऐसा ऐसा करके रिंग रोड के साथ साथ सारा सोसाइटी बन जाना एक दिन। जी पापा। ये देखो ये सारा फेज 9 का ये गेट वगैरह बना रहे हैं। जी आज से 10 साल बाद यहाँ पे घर ही घर होने हैं। जी फ्रेंड्स ये देखें, ये भट्टी ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है, इसी की वजह से लाहौर इतना पोल्यूटेड एरिया बन गया है। हाँ बेटा ये ईंटों का भट्टा यहाँ से दिखाओ ना लोगों को, ये चल रहा है देखो। जी इसकी वजह से भी स्मोक होती है पूरे शहर में, जगह जगह साइडों पे भट्टे। जी फ्रेंड्स ये देखें, भट्टी में सारा स्मोक फेंका है, ये देखें कितनी ज्यादा स्मोक हो गई अभी से, अभी तो स्मोक का सीजन भी नहीं आया। वो देखें जी इस साइड पे भी है। हाँ ये देखो धुआं धुआं ये लग रहा है, इस तरह स्मोक आ गई, स्मोक आ गई है सारी ये रिंग रोड के ऊपर, अभी लग रहा है शाम भी नहीं हुई सही तरह। जी अगर थोड़ी ज्यादा हुई तो विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। फ्रेंड्स ये हमारे लेफ्ट पे लेक सिटी है, ये भी बहुत जबरदस्त सोसाइटी है, इसके अंदर फाउंटेन्स भी होते हैं, इसका भी विजिट कराएंगे अली तुम्हें। जी पापा। तो बड़ी अच्छी सोसाइटी है इंशाल्लाह। देखें अब आखिरी इंटरचेंज आने वाला है, फिर हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे और फिर हम लोग अड्डा प्लॉट की तरफ हो जाएंगे और फिर AWT का वे अपना लेंगे। हाँ बेटा ये रिंग रोड अभी यहीं तक है, आगे बननी है अभी, लेकिन ये इसका आखिरी है यहाँ पे। जी पापा। अड्डा प्लॉट की तरफ हम जाएंगे। जी वहाँ से AWT की तरफ मुड़ेंगे फिर आगे फेज 2 की तरफ। जी पापा। ये देखो यहाँ बोर्ड शोर्ड सारे लगे हुए, ठोकर न्याज देख जाना है तो इस तरफ जाए, अड्डा प्लॉट जाना है तो इस तरफ जाए। जी सूरज देखो किस तरह डूब रहा, कितना खूबसूरत मंजर है। जी ये अब अड्डा प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। जी पापा। देखें जी ये अड्डा प्लॉट है और सामने रायविंड भी है, रायविंड को रास्ता जाता है, रायविंड नहीं है अभी। अच्छा यहाँ पे ना अड्डा प्लॉट पे मुख्तलिफ टर्न्स हैं।
जी हम वो टर्न लेंगे जो नवाज शरीफ का जो मेडिकल सेंटर है, शरीफ मेडिकल सिटी जी, उसकी तरफ जाता है तो वो वाला टर्न लेंगे हम जी। ये देखो ये सारा अड्डा प्लॉट है, ये पूरा डेवलप हो गया अब जी। ये देखो यहाँ बोर्ड लगे हुए, यूनिक कैंपस, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, हाउसिंग स्कीम फेज टू, शरीफ कॉम्प्लेक्स जी। ये हम शरीफ कॉम्प्लेक्स की तरफ अब टर्न कर रहे हैं जी पापा। लो भी हम शरीफ कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं जी पापा। जी देखें जी, AWD का ऑफिस है और ये सारे यहाँ पे रोड बना रहे हैं। हाँ ये अभी बन रही है अली जी पापा, यहाँ पे कमर्शियल दुकानें वगैरह बनेगी काफी जी। ये देखें जी, अब हम लोग AWD गेट 2 से एंटर होंगे। हाँ अली, इसके काफी गेट है, अभी इन्होंने एक गेट ये खोला हुआ, बाकी बंद किए हैं। पापा वो क्यों? वैसे ही अभी सोसाइटी ज्यादा लोग नहीं ना आए, जब बड़े होंगे तो फिर आ जाएंगे जी। अब AWD के गेट नंबर 2 से अब हम जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं जी पापा। ये देखो ये इनका मेन गेट बनाया हुआ है जी। ये अब अली इसकी मेन रोड आ गई है सोसाइटी की जी पापा। ये बीच में दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं सारे, काफी दरख्त है। हाँ इस तरह भी करके दिखाओ ना सारा जी। मेन रोड दिखाओ, इसकी मेन रोड पर जो जा रहे हैं जी, इस तरफ भी कर दिखाओ, सारे बन गए हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे जी पापा। कनाल और 10 मरले के तो काफी महंगे प्लॉट हुए हैं, रिहाइश हो गई है जी। फ्रेंड्स ये देखें जी, इस रोड पे बहुत ज्यादा हाउसेस थे तो हम लोग इधर टर्न कर लिया हम लोगों ने। हाँ बेटा, ये तुम्हें अब मैं ना 5 मरले के इसकी कटिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ। मेजर जो पोर्शन है वो 10 मरले का और एक कनाल का सोसाइटी में जी, लेकिन उन्होंने कुछ 5 मरले वाले भी अभी लॉन्च किए हैं नए जी पापा, 2-3 साल हुए हैं जी, तो वो खरीदना फिजिबल है। बाकी उनके रेट काफी बढ़ चुके हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ 5 मरले और 10 मरले वाली जी। ये देखो सारे ये 10 मरले वाले यहाँ पे सारे ना घर बने हुए। और ये जो रोड एंड हो रही है ना जी, इससे आगे सुई गैस फेज 2 है। अच्छा, तो वहाँ पे ये देखो सारा ये इन्होंने नई जमीन लेके ना यहाँ पे आप सीवरेज वगैरह डाल रहे हैं जी, ये सड़कें बनाएंगे, सीवरेज डाल रहे हैं, और ये 5 मरले की कटिंग है जी पापा। इसमें ज्यादा प्लॉट नहीं है, ये 100-200 प्लॉट होंगे मैक्सिमम जी पापा। ये आगे देखो ना, ये रोड यहाँ एंड हो रही है जी, यहाँ पे पाइप पड़े हैं सारे सीवरेज के जी, और यहाँ पे ये गटर वगैरह सारे बन रहे हैं, सीवरेज लाइनें डाल गई हैं जी। ये देखो ये खोद के ये किस तरह गटर बनाए इन्होंने, पाइपलाइन डाली है जी। तो ये सारा सोसाइटी का 5 मरले का आगे है जी, थोड़े प्लॉट हैं ये जी, तो यहाँ परचेज करना अच्छी है, फिजिबल है जी। मेन बुलेवार्ड है ये, बहरिया टाउन से कनेक्ट होती है और अभी ये बंद है। हाँ ये बेटा पीछे जो पानी की टंकी चंकी अली नजर आ रही है ना सारी जी पापा, वो बहरिया टाउन है जी। ये मेन बुलेवार्ड यहाँ एंड हो जाती है और वो बैरिया टाउन है, और अगर तुम ऊपर देखोगे ना वो देखो, वो आईफल टावर भी नजर आ रहा है बैरिया टाउन का जी। जी पापा ये फोकस नहीं कर रहा मोबाइल अभी, वो देखो नजर आ रहा है, ये सारा पीछे बैरिया टाउन है जी। फ्रेंड्स ये मस्जिद है, साथ पार्क भी है, ये AWD की मस्जिद है। ये देखें जी, सारा कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह भी हैं। हाँ बेटा, अभी ये पूरा डेवलप हो रहा है ज्यादा, तो अभी प्रॉपर्टी डीलर्स की दुकानें हैं, कुछ यहाँ पे जनरल स्टोर वगैरह, सुपर स्टोर वगैरह बने हुए हैं जरूरत के जी, कुछ बीच में फास्ट फूड वगैरह की दुकानें हैं जी, लेकिन फैमिलीज तो यहाँ रह रही है और जरूरत की हर चीज यहाँ मिल जाती है। डेवलप हो रहा है कमर्शियल एरिया इसका जी। ये देखो ये भी जनरल स्टोर बना हुआ है जी। ये कमर्शियल एरिया के साथ ये मेन ग्राउंड है इसका जी, पार्क जिसे तुम कहते हो जी पापा। तो मेरे हिसाब से 5-6 सालों में तो पूरी सोसाइटी फुल हो जानी है जी पापा, जगह ही रहनी यहाँ पे जी। ये पार्क दिखाओ पार्क जी।
ये मेन पार्क है फ्रेंड्स, यहाँ पे होती है मेरी वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा, आप लोग ये भी बताइएगा कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीरीज या फिर नहीं। ठीक है, फिर अल्लाह।